प्लास्टिक से बाहर रख दिया है गैस, यहाँ पे बैठ के बना रही हूँ। और साथ में ले गया गाइस कोई, नहीं नहीं ये रहा, ये रहा। तो चाची बताओ तुम मूड उठती क्यों हो? मैं इसलिए मूड। हे गाइस, वेलकम करता हूँ आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस अभी मैं मम्मी के साथ आज भी जा रहा हूँ काम पर, मम्मी की हेल्प करवाने। तो चल रहे अभी, पापा भी जा रहे हैं अपने काम पर और मम्मी और मैं जा रहे हैं मम्मी के काम पर। बोलते नहीं हो गाइस, आज तो मेरी वीडियो पूरी एक घंटा लेट हुई। पता नहीं कभी कभी नेट में दिक्कत आ जाती है, वैसे तो मैं टाइम पर अपलोड कर देता हूँ। आज पूरे दो ढाई घंटे पहले करने के बावजूद भी एक घंटा लेट हो गई वीडियो। चलो कोई नहीं, एक आध दिन हो जाता है। अभी बस पहुँच गए सोसाइटी हम, और पापा भी हमारे साथ ही है। गाइस पहुँच गए हम सोसाइटी में और मम्मी ले आई झाड़ू और बाल्टी। चाचा भी अपने काम में लग रहे हैं यहाँ पर और हम भी जा रहे हैं अपने काम पर। चाची तो अभी आ नहीं पा रही, तबीयत ख़राब है उनकी, तो चाचा अकेले ही कर रहे हैं काम। 80 80 80। तो अभी गाइस हम फर्स्ट बिल्डिंग में प्रवेश करेंगे, मम्मी लिख रही है, और इस पर साइन करवाएंगे। चलें फाइनली गाइस पहली बिल्डिंग कंप्लीट हुई है। वहाँ लिखो ऊपर, लिखो ऊपर। हाँ ऊपर ही तो लिखती हूँ। अब हम जा रहे हैं सेकंड बिल्डिंग M105 में। चलो गाइज, अभी हम तीसरी बिल्डिंग में झाड़ू मार के हटे ही थे, तभी एक सर ने हमें कोल्ड ड्रिंक दी, तो एक मम्मी को एक मुझे। कोल्ड ड्रिंक के लिए थैंक यू सर। तो गाइज करते करते काम अभी हम लास्ट जीने पर पहुंच गए हैं, ये लास्ट है। और अभी थोड़ा थक गए तो बैठ के रेस्ट कर रहे हैं, और ऊपर जाने में बहुत हालत ख़राब होती है। फोर्थ या फिफ्थ फ्लोर तक जाना पता है, वहाँ से ही झाड़ू लगाते लगाते आओ और पूछ लगाते हुए। अभी बस ये लास्ट है, इसे कर लेते हैं थोड़ी देर रुक कर। फाइनली गाइस कंप्लीट हो गया हमारा काम। अभी मुंह हाथ धो के बैठा हूँ, पानी पीता हूँ, फिर उसके बाद 10-5 मिनट बाद चलते हैं घर। गाइस पहुंच गए हैं घर पे, और हाँ हल्की हल्की बूंदाबांदी भी आज भी शुरू हो रही है, मौसम ठंडा हो रहा है तो बढ़िया है। गाइस अभी बैठ गए हम खाना खाने, खाने में आज दाल चावल है और रात की सब्जी भी है बैगन की, तो खा लेता हूँ खाना। और मम्मी भी खा रही हैं तो मैं भी खा लेता हूँ। तो गाइस अभी खाना खाने के बाद मैं नहा लिया था अभी, और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है तो मैं नहा लिया था। और मैं सोच रहा हूँ गाइस अभी हम 2-3 दिन पहले जहाँ रहते थे वहाँ पर जाने की, क्योंकि हमारा चकला जिस पर रोटी बनाते ना वो वहीं रह गया है। कल मम्मी ने मुझे बताया था रोटी बना रही थी तो रोटी वो वहीं रह गया है, तो ले आना। तो मैं सोच रहा हूँ अभी जाकर लेकर आ जाता हूँ, वो वहीं पर होगा, वरना कोई आ जाए तो पता नहीं कहाँ हो जाएगा। अगर अभी जाऊँगा तो मिल भी जाएगा, तो वही सोच रहा हूँ मैं अभी वहाँ जाता हूँ और वो चकला लेकर आ जाता हूँ यहाँ पर, तो चलते हैं वहीं पर। गाइस ये भाई को आपने कल देखा होगा व्लॉग में, बारिश में नहा रहे थे। क्या नाम है आपका? विहान, 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 हाय। तो इन्हें आज भी आना था व्लॉग में, तो ले लिया। हाँ बिल्कुल। तो चलते हैं गाइस अब हम। गाइस पहुंच तो गया हूँ कुंडी लेने के लिए। ले गया गाइस कोई, नहीं नहीं ये रहा, ये रहा, मिल गया।
तो गाइस यहीं मिल गया है रोटी बनाने का चकला। अच्छा हुआ साफ सफाई तो हुई अंदर से, लेकिन इसे किचन में ही रख रखा था तो अभी मैंने ले लिया, तो ले जाता हूँ घर। और गाइस मैंने कुंडी भी लगा दिया वापस, तो अब चलता हूँ घर। लो मम्मी मिल गया भाई, पर था किचन में साफ सफाई तो उन्होंने करवा दी वहाँ मुझे। गाइस मेरे एयरपोर्ट्स भी खो चुके हैं घर की शिफ्टिंग में, पता नहीं कहाँ रख दिए थे। दीदी को दिए थे जिस दिन लास्ट दिन था वहाँ, दीदी ने पता नहीं कहाँ रखे, वो मिल ही नहीं रहे। पर ये मिल गया वहीं पर किचन में ही रखा था, मुझे जब दिखी साफ सफाई मुझे लगा नहीं मिलेगा, धोने के लिए फिर मिल गया। गाइज मैं तो आ गया हूँ यहाँ ऊपर वाली छत पर, वहाँ मम्मी सुखा रही हैं कपड़े। कपड़े उतार धोए थे आज, फिर उतार दिए थे, बारिश गिर रही थी हल्की हल्की, तो अब सुखा रही हैं। और अभी यहाँ थोड़ा मैं देर आया था, यहाँ हवा थोड़ी थोड़ी हवा लग रही है, वैसे तो गर्मी लग रही है पर बहुत देर से घर में ही बैठा, तो मैंने सोचा छत पर आ जाऊँ थोड़ी देर। गाइज यहाँ देखो दीवार पर क्या लगा रखे, कंच की बोतल सीधा यहाँ पर हाथ ऐसे, ये देखो यहाँ कोई भी नहीं चढ़ने की कोशिश नहीं कर सकता, यहाँ से फुल प्रोटेक्शन है गाइस, ये प्रोटेक्ट करने का देसी जुगाड़ है गाइस ये। गाइस अभी बड़ा फनी सीन हुआ, ये गमला सा था जो कि ऐसा कटोरी जैसा रहता ना बड़ा, तो मम्मी को यहाँ पर ये यहाँ रखा था इस जगह, तो मम्मी ने ये लिया और मम्मी धो रही थी और कह रही थी इसमें मैं पानी भर के दे रही हूँ तुझे और ऊपर ले जा, पक्षी पी लेंगे चिड़िया विड़िया कौवे। और धोते धोते टूट ही गया। क्या मम्मी आराम से धोते ना, कैसे तोड़ दिया। मैं भी सोचा चलो सही कह रही हूँ मम्मी, मैं जैसे ही हाथों पहुँचा एकदम धड़म करके वो तो गिर गया। चलो ले आएंगे बाद में, ले आएंगे बाहर जाएंगे जब ले आएंगे। चाची की कॉल आई थी और चाची ने कहा नन्नू का बैग लिया, क्योंकि नन्नू की पढ़ाई करवानी है ट्यूशन की, कल ट्यूशन गई थी तो बैग यहीं पर है उसका, तो देकर आ जाता हूँ नन्नू का बैग, पढ़ाई कर लेगी अपनी ट्यूशन की, उसे ट्यूशन भी जाना है। तो गाइस ला के दे दिया इसे बैग, अब करेगी पढ़ाई, पढ़ाई कर ले। क्या वो सामान वहाँ कर दिया, सही से रख देते ना। ऋषि हाँ पन्नी बन जाए, कागज भी बन जाए। तो गाइज अभी चाची के साथ मैं आया हूँ छत पर, क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी सारे जनों ने चाची से कमेंट में ये क्वेश्चन किया है कल वाली वीडियो में कि मुंह क्यों ढकती हैं चाची हरदम, तो मैंने सोचा मैं नहीं बताता हूँ इसका आंसर खुद चाची देंगी, तो चाची बताओ तुम मुंह ढकती क्यों हो। मैं इसलिए मुंह ढकती हूँ कि वो मेरे जेठ जी है, जेठ जी से मुंह ढकते हैं। कौन जेठ जी, मतलब मेरे पापा, पापा। मेरे पापा जो हैं वो चाची के जेठ जी हैं, क्योंकि चाचा छोटे हैं, छोटी हूँ हाँ, चाचा घर में सबसे छोटे हैं तो पापा बड़े हैं, तो इसलिए ये रिवाज रहता है कि छोटी बहू मुंह ढकती है, तो चाची को इसलिए मुंह ढकना पड़ता है। ठीक है गाइस, अब सबका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, तो इस वजह से चाची को ज़्यादातर जब भी पापा आसपास रहते हैं मुँह ढक के रहती है, जैसा अब नहीं है पापा तो चाची अब नहीं ढकी है मुँह, तो यही था जो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। गाइज ये बहुत तंग करती है मुझे बहुत ज़्यादा, और ऋषि नहीं कर रहा तंग। ऋषि ये कौन है तेरी, तेरी बहन है, छील ले जाएगी। देखो 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 ड्रामे ड्रामे। क्यों बोलूंगी मैं, चलो इसे गोल गोल घुमाता हूँ। घूमने के चक्कर में इसने चप्पल टुटवा दी मेरी। इनने मेरी चप्पल तोड़वा दी, देखो
ऐसा ही करा, ये खरीद के दे रही अभी। ला भाई पैसे निकाल, पैसे दे। उल्टी चड्डी पहन रखी है वो मिल गए यार चप्पल। गाइस अभी चाची के यहाँ से मैं आ गया और यहाँ पर मम्मी आज गर्म गर्म पराठे बना रही है। बाहर ही किचन से बाहर रख दिया है गैस, यहाँ पे बैठ के बना रही है। और साथ में सब्जी क्या है, करेले की सब्जी, इसलिए पराठे करेले के साथ बढ़िया लगते हैं। और अभी मेरा मन भी कर रहा है, देख के मुँह में पानी आ रहा है, खाने का मन कर रहा है। मैं मुझे दे दो, मेरा मन कर रहा है खाना, तुम भी खा लो पापा। गाइज मेरा तो अभी मन कर रहा है खाने का खाना। तो गाइज अभी मेरे लिए पराठा गर्मा गर्म बनना है और सब्जी भी तैयार है। और गाइज ये खाट देखो कितनी सी है, ये यहाँ पर यहीं की है, जिनकी ये मकान है उनकी है, तो ये भी खाट बड़ी उनकी है और ये भी। तो ये देखो कितनी सी है, नन्नू के लिए सही है बिल्कुल, नन्नू लेट जाती है इस पर पूरी। वैसे लेटने को मैं भी आ जाता हूँ, पूरा लेट के दिखाता हूँ। देखो गाइस कितनी सी खाट है और बढ़िया लगती है गाइस, नीचे ये बिल्कुल जमीन के। गाइस बढ़िया खाट है ना, कमेंट करके बताओ छोटी सी। गाइस कर दिए हैं मम्मी ने पराठे और साथ में सब्जी करेले की, वैसे तो कड़वी लगती है बट पराठों के साथ अच्छी लगती है। पहले गाइस मेरा भी ऐसी था, मैं नहीं खाता था बिल्कुल भी करेले की सब्जी, पसंद ही नहीं करता था खाने को। लेकिन फिर धीरे धीरे थोड़ी कड़वी तो लगती है बट स्वाद अलग लगता है, डिफरेंट लगता है और सब्जियों से, तो फिर मैं भी खाने लगा और अब अच्छी लगती है तो खा लेता हूँ मैं गाइस। तो गाइज अब वक्त हो गया इस ब्लॉग को एंड करने का। उससे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहूँगा, आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो ना, इतने मोटिवेशन देते हो ना मुझे, सही में मुझे इतना अच्छा दिल खुश हो जाता है कि थोड़ा सा मैं डाउन जाता हूँ लेकिन जो अच्छे कमेंट पढ़ता हूँ उनसे एकदम खुशी मिलती है कि नहीं अजय तू कंटिन्यू रहा, कंटिन्यू कुछ नहीं है सब अच्छा ही होगा। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, जो भी करता है सबका, आप देख रहे हो आपका भी थैंक यू सो मच देखने के लिए वीडियो और साथ में कमेंट करने के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया एक और बार। तो करता हूँ इस ब्लॉग का एंड, आई होप सो आज का ब्लॉग आपको पसंद होगा, पसंद तो ब्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।